हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है उसका क्या यूज़ होता है। हमारी मेडिसिन के पीछे क्या होता है ना, बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं पीछे जो लगते हैं, उनको हम सफिक्स बोलते हैं, जिनको हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है इसका ये यूज़ होता है। ओके, तो इस जो सीरीज़ है ये, इसका ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं आपको दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आप इस वीडियो के बाद जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखे तो। सबसे पहले मेडिसिन देखते हैं हमारी, ये देखिए मैब, जिसके पीछे क्या आएगा, मैब आएगा। जैसे ये देखिए नेटेलिज़ुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, तो इसके पीछे मैब आ रहा है ना, मैब मैब। ये मैब वाली कौन सी मेडिसिन होती हैं हमारी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्लास की मेडिसिन होती हैं। दीज एंटीबॉडीज़ आर यूज टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स और सेल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेज इंक्लूडिंग ऑटोइम्यून डिसीज और कैंसर्स। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं, मोनो मोनो मतलब सिंगल, तो आपकी सिंगल एंटीबायोटिक्स होती हैं ये। क्या एंटीबॉडीज़ होती हैं, बेसिकली क्या करती हैं ना, आपके एंटीजन के साथ जो हमारा एंटीबॉडी होती है वो हमारे एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेगी, स्पेसिफिकली बाइंड करेगी उसी एंटीजन के साथ जिसके लिए वो बनी है, और किसी के भी साथ बाइंड नहीं करती। तभी क्या है ये, मोनोक्लोनल। ठीक है, पॉलीक्लोनल अलग होती हैं जो कि काफ़ी सारे के साथ बाइंड कर सकती हैं, मोनोक्लोनल होती है। ओके, तो मैप वाली जो होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं ये, और ये काफ़ी सारे अलग टाइप के डिसीजेज में आपके ये हेल्प करती हैं ट्रीटमेंट के उसके। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है एज वाली, जिसके पीछे एज होगा। एज ये देखिए एल्टीप्लेज, लैरोनिडेज, ठीक है, तो एज इसके पीछे भी आ रहा है, इसके पीछे भी एज आ रहा है। तो ये क्या है, हमारी इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज क्लास की मेडिसिन होती हैं, जिन पेशेंट्स को इंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो इंजाइम्स बेसिकली देखिए क्या होता है, इंजाइम्स वो एक आपके इंजाइम्स क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कि वो किसी सब्सटेंस, अगर आपकी बॉडी में कोई बनना है तो उस सब्सटेंस को बनाने के लिए आपके इंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में इंजाइम्स ही नहीं है तो आपका सब्सटेंस नहीं बन पाएगा, तो आपको उस सब्सटेंस की कमी हो जाएगी। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन पेशेंट में देते हैं। ठीक है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेडिसिन कैसी होती हैं, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं ये, जिनको इंजाइम की कमी हो जाती है उसको ये मेडिसिन देते हैं। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ट्रिप्टैन। जैसे ये देखिए ट्रिप्टैन, रिजा ट्रिप्टैन, सुमा ट्रिप्टैन, तो इसके पीछे भी ट्रिप्टैन आ रहा है, ट्रिप्टैन आ रहा है ना। तो ट्रिप्टॉन जिसके पीछे होगा वो कैसी होंगी, हमारी सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। दीज आर यूज टू ट्रीट माइग्रेन, जिनको माइग्रेन की दिक्कत होती है और जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है उसके लिए क्या होता है, ये आपकी मेडिसिन दी जाती हैं। उस ये बेसिकली क्या होता है ना, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देंगे, हमारे जो ब्रेन होता है उसके आसपास के जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको नैरो कर देती हैं, उसको पतली कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो आपका दर्द हो रहा होता है उसको रोक देते हैं, उनको इन्फ्लामेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं ये मेडिसिंस। ओके, तो ये ट्रिप्टन वाली जो मेडिसिंस होती हैं। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है देखो निब, जिसके पीछे क्या लगा होगा, निब लगा होगा, इमेटिनिब, अरलोटिनिब, ये क्या है हमारी, जिनके पीछे निब लगा हुआ है ना, तो ये क्या होती है हमारी टायरोसिन क्लास काइनेज इनहिबिटर्स क्लास की मेडिसिन होती है। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, ये इनहिबिटर यूज़ होते हैं हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या करते हैं, आपके स्पेसिफिक इंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं जो कि आपके एबनॉर्मल ग्रोथ करवा रहे हैं सेल का, या फिर सेल का डिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट करवा रहे हैं। तो कैंसर एक्चुअली क्या होता है, हमारे सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, उसी को हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जल्दी डिवाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपका ग्रो करवा रहा है ऐसा इंजाइम, तो उस इंजाइम को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये जो निब वाली मेडिसिन होती हैं। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है व्यूडीन, ये देखिए व्यूडीन, जैसे कि लैमिव्यूडीन, स्टैव्यूडीन, ये जो मेडिसिन होती हैं ये एंटी रेट्रोवायरल न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं। एंटी रेट्रोवायरल यानी कि हमारे HIV या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है उनके ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन यूज़ होती हैं। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेवीर, जिसके पीछे नेवीर होगा। जैसे ये देखिए एटाजिनावीर, आपका लोपिनावीर, तो ये मेडिसिन कैसी हैं, इसके पीछे नेवीर नेवीर आ रहा है ना, तो एक ऐसी मेडिसिन होती है हमारी, ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स, दीज आर यूज्ड इन HIV ट्रीटमेंट, तो ये भी HIV ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं हमारे प्रोटीएज इंजाइम को, तो प्रोटीएज इंजाइम जो है वो आपका काम नहीं कर पाएगा, जो कि आपका वायरल रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस HIV के वायरस को जनन के लिए, तो प्रोटीएज इंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे आपका वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होती है उसकी, वो रुक जाती है। ओके, उससे पहले वाले में क्या था, वो भी आपका, वो क्या करता था, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था, उस पर एक्ट करता था, ये किस पे एक्ट करता है, हमारे प्रोटीएज एंजाइम पे एक्ट करता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं हमारी प्लेटिन, प्लेटिन ये देखिए, जैसे कि सिस प्लेटिन हो गया, कार्बोप्लेटिन, तो ये मेडिसिन कैसी हैं, इनके पीछे प्लेटिन आ रहा है ना,
प्लैटिन प्लैटिन, तो प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी एजेंट्स होते हैं ये। प्लैटिन से आप याद रखना, प्लैटिनम, ठीक है। तो कीमोथेरेपी एजेंट्स होते हैं ये, लेकिन प्लैटिनम बेस्ड। दीज कीमोथेरेपी एजेंट्स आर प्लैटिनम बेस्ड एंड आर यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स। तो कैंसर्स, आपकी जो कीमोथेरेपी होती है बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं कैंसर के सेल्स को मारने के लिए। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कौन सी, ड्रोनेट। ये देखिए, जैसे कि एलेंड्रोनेट, रिजिडोनेट, ड्रोनेट, ये क्या है, ड्रोनेट, ड्रोनेट इसमें आ रहा है ना, ड्रोनेट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी ड्रोनेट आ रहा है। तो कैसी होती है हमारी ये, बायफॉस्फोनेट्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। बायफॉस्फोनेट्स आर यूज टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर बोन कंडीशंस बाय इनहिबिटिंग बोन रीअब्सॉर्प्शन। तो हमारे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है या फिर किसी को बोन की और कोई दिक्कत है, तो उसमें क्या करती है हमारी मेडिसिन, काम आती है। ये करती क्या है, हमारे जो बोन का रीअब्सॉर्प्शन होता है उसको ये रोक देती हैं। तो ऐसे करके ही हमारी काम करती है हमारी ड्रोनेट वाली मेडिसिन जो होती हैं। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है टाइलिन, जिसके पीछे टाइलिन होगा, जैसे कि ये देखिए टाइलिन, एमीट्रिप्टाइलिन, नॉट्रिप्टाइलिन। तो ये क्या है हमारी, टाइलिन, टाइलिन के पीछे आ रहा है ना, तो ये कैसी होती है हमारी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जिन पेशेंट्स को होता है ना, उनके ट्रीटमेंट में ये यूज़ करा जाता है, जिनको मूड डिसऑर्डर होता है उनके ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल करी जाती है हमारी मेडिसिन। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ट्रोपिन, जिनके पीछे क्या होगा, ट्रोपिन होगा, जैसे ये देखिए सोमेट्रोपिन, यूरोफ्लोरोट्रोपिन। तो ये क्या है हमारी, आपके पीछे ट्रोपिन आ रहा है ना, तो ये क्या होते हैं हमारे, हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो जिनको हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाती है उनके लिए हम ये आपकी मेडिसिन देते हैं। हार्मोन्स काफ़ी सारे अलग अलग आपके टाइप के लिए हम अलग अलग हार्मोन्स आते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि आपका ये ग्रोथ हार्मोन के लिए हो गया, या आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए हो गया ये वाला, ठीक है। तो आपके लिए हार्मोन्स की जिनकी कमी हो जाती है उसके लिए देते हैं मेडिसिन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपने कुछ बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ओके। और अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं अभी कमेंट बॉक्स में चेक करके, आपका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ओके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।